है एवरीवन इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सो ना टूडे इस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल्स तो आज के इस वीडियो में तो हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना उनके लिए मैं जल्द ही लाइव सेशन तुम लोग के लिए लाऊंगी वहां पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है तो इसमें तो सिंपली तुम्हें पता है सब्सिट्यूशन लगाना है सो हम डिनोमिनेटर को टी लेट कर लेंगे तो ई टू दर

यहाँ से टू कॉमन ले लिया हमने उसको डिनोमिनेटर में फिर भेज दिया ठीक है तो ई टू दी पावर टू एक्स माइनस पावर माइनस टू एक्स एंड डी एक्स मीन इसके बदले हम ये पुट कर सकते हैं तो हाफ इंटीग्रेशन इसके बदले टी आ गया और इसके बदले पूरे के बदले डी टी आ गया ठीक है तो इंटीग्रेशन वन अपॉन टी होता है लॉग मॉड ऑफ टी और टी हमारे पास ये है तो हमने यहाँ पे एज इट इज पुट कर दिया और यहाँ पे प्लस सी Uh, जो हमारा कॉन्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो पुट करना इंपॉर्टेंट होता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर एंड यस तुम लोग बहुत ज्यादा पूछते रहते हो कि हम लोग को प्रीवियस ईयर कहां से प्रैक्टिस करना है कौन सी बुक हमें परचेस करनी है तो उसके लिए मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर की बुक है ना ये हमारे पास बेस्ट रहेगी ओस वाल गुरुकुल की सीबीएसई लास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स इसमें ना लास्ट टेन ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स गिवन है सारे सेट्स हैं चाहे हमारा होता है ना किसी ईयर में सेट वन होता है सेट टू होता है सेट थ्री होता है तो सारे सेट्स पहले तो तुम लोग को यहाँ मिल जाएंगे एंड इसके साथ साथ देखो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जैसे मेरे पास पीसीएम का यहाँ पे बंडल है इन द सेम में पीसीबी का भी बंडल अवेलेबल है अगर तुम पीसीबी वाले स्टूडेंट हो तो तुम वाला परचेस कर सकते हो तो यहाँ पे देखो इंग्लिश के फिजिकल एजुकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे तो एक बुक तुम्हारे पास डेफिनेटली होनी चाहिए बिकॉज अभी बोर्ड आ चुके हैं मैं तुम लोगों से कह रही हूँ कि पीवाई क्यूज पर सबसे ज्यादा फोकस करो तो उसके लिए ना हमारे पास ये बुक सबसे बेस्ट है इसकी जो बाईलिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी डायरेक्टली के वहीं से परचेस भी कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से एंड तो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें ये फाइंड करना है तो दिस इज ऑल्सो अगैन वेरी वेरी सिंपल तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टी इक्वल्स टू क्या करेंगे पावर फोर डिफरेंशिएट कर दो तो कितना टेन इनवर्स एक्स का होता है one one square, तो इसका स्क्वायर कर दो फिर बिकॉज ये एक्स नहीं है एक्स टू तो दी पावर फोर है इसका फिर से हो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग तो फोर एक्स क्यूब हो जाएगा है ना तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फोर को मैं इधर भेज देती हूँ बिकॉज मुझे सब्सटीट्यूट करना है ना तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब डीएक्स एंड ये सबस्टिट्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे वन बाय फोर इंटीग्रेशन इसके बदले आ जाएगा साइन टी और डी टी तो काफी सिंपल हो गया साइन टी का होता है माइनस कॉस्टी तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्टी t, और टी t क्या है हमारे पास टैन इनवर्स एक्स टू दावर फोर प्लस ऑफ सी तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली आंसर ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है हमारा थर्ड क्वेश्चन ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग में ही वैसे पूछा जाता है इसको सबसे पहले तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्स एक प्लस तो यहाँ पे इन को करने के लिए क्या मेथड होती है ना उसका जो भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस ऑफ फाइव प्लस ऑफ बी ठीक है तो एक्स प्लस टू इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव ए प्लस ऑफ बी तो कर दोन है तो टू A की वैल्यू आ जाएगी हाफ ठीक है की वैल्यू अगर है, तो दिस प्लस में जाएगी तो यहाँ पे है, तो टू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्स प्लस सिक्स एंड डीएक्स ठीक है यहां पे फर्दर हम क्या करेंगे दोनों को ब्रेक करके लिख देते हैं तो हाफ इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस फाइव अपॉन अंडरूटर माइनस फाइव एक्स प्लस इंटीग्रेशन अब देखो यहाँ पे तो वन ही बचेगा सिर्फ अपॉन अंडर रूट एक्स स्क् माइनस फाइव एक्स प्लस ऑफ सिक्स डी एक्स यहाँ पे देखो नीचे वाले को अगर मैं टी पुट करूंगी तो ऊपर वाला हमें मिल जाएगा सिंपली है ना तो यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई टू इंटीग्रेशन ये डी टी आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट टी डी टी एंड यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड से इसको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा बता रखा है वैसे ही मैंने मेथड देखो एक्स स्क्वेयर माइनस टू इंटू एक्स इंटू फाइव बाई टू मतलब जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे सो दैट ये आ जाए प्लस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर और इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे एंड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा तो माइनस वन बाई टू का स्क्वायर तो, तो, तो यहाँ पे, यह तो पे देखो पहले इसे मैं सोल्व कर लेती हूँ इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट टी कितना होगा टू अंडर रूट टी तो t तो मेरे पास वापस से यही आ जाएगा ये तो चलो हमने इजिली सॉल्व कर लिया ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर माइनस कितना के फॉर्म में बन गया है ना तो इसका क्या होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स तो लॉग मॉड ऑफ कितना आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क् माइनस ए स्क्वायर अब देखो इसको हमने यहीं से तो बनाया है तो ये तो एज इट इज इतना ही आ जाएगा ना तो बस अब फाइनल आंसर तुम्हारे पास क्या रहेगा फाइनल आंसर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्स एक्स प्लस दिस माइनस फाइव बाई टू प्लस अंडरूट एक्सर माइनस ऑफ दिस प्लस ऑफ सी तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर बिकॉज इसके साथ ये अटैच है तो लॉग इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा और इधर पे ये एज इट इज है तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमें एफ डैश एक्स नॉट एफ इनवर्स दिस इज बेसिकली

एफ तो वन अगर पुट करेंगे तो वन बाय टू प्लस लॉग वन जीरो सी कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये तो C की वैल्यू आ गई टू तो हमें एफ एक्स सी तो निकालना था तो एफ एक्स कितना हो गया एक्स स्क् बाई टू प्लस लॉग एक्स प्लस ऑफ सी की वैल्यू है टू तो ये होगा हमारा आंसर ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास इसको सॉल्व करना है अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है तो यहाँ पे देखो टू की पावर एक्स एंड थ्री की पावर एक्स इंटू थ्री फोर एक्स इंटू फोर जाएगा जो कि सिक्सटीन होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ फोर्टी एट इंटीग्रेशन फिर टू इंटू थ्री इंटू फोर पावर बिकॉज यहाँ पे क्या है सेम है इंटीग्रेशन थ्री इंटू टू सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर की पावर एक्स तो इंटीग्रेशन ए एक्स का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है ए एक्स अपॉन लॉग ए तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन लॉग ऑफ ट्वेंटी फोर प्लस ऑफ सी इसको फर्दर हम चेंज भी कर सकते हैं जैसे ये जो है ना हमारा इसी फॉर्मेट में वापस से बन जाएगा और इसको भी हम लॉग टू इंटू थ्री इंटू फोर के फॉर्म में लॉग टू प्लस लॉग थ्री प्लस लॉग फोर के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा तो यहीं पे छोड़ देना कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है और इसी के फॉर्म में हमें वो गिवन रहता है तब चेंज भी कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास हमें ये फाइंड करना है काफी सिंपल सा है देखो इसमें कॉस्ट टू एक्स का फॉर्मूला लगा देना है क्या होता है कॉस् स्क्र एक्स माइनस साइन स्क्र एक्स वैसे तो चार फॉर्मूलाज होते हैं कॉस्ट टू एक्स के बट हम वो लगाते हैं जिससे हमारा काम इजी हो जाए तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो रहा था इसीलिए हमने ये लगाया वन अपॉन कॉस क्या होता है इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स तो सिंपली हो गया ये टैन एक्स प्लस सी नेक्स्ट है हमारे पास ये अच्छा ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे एक फॉर्मुला लगेगा जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली वो इस साल के लिए डिलीटेड है बट तुम्हारा इंटीग्रेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है तो टैन इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स एक्स होता है पाए टू. पाए टू के है है मेरे पास तो बाहर ले लिया इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा एक्स की पावर फिफ्टी टू तो अपॉन फिफ्टी टू प्लस ऑफ सी तो यहाँ पे ना हम वापस से बिकॉज ये चीज तो हमें गिवन नहीं थी तो पाए बाय टू के बदले वापस से आई कैन पुट दिस टैन इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स एक्स प्लस तो यहां तक हम आंसर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? है, हमारे पास इसे करना होगा तो यू क्यूब बाय थ्री प्लस बी बाहर आ जाएगा इसका यू स्क्र बाई टू प्लस सी इंटीग्रेशन डी यू होता है यू प्लस ऑफ सी तो ये तो काफी सिंपल से क्वेश्चन है ये भी अगेन सिंपल है इसको ब्रेक कर दो इस फॉर्म में ये आ जाएगा हमारे पास

12 of C हो जाएगा। ये इसको इस हम क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल जो हमारा होता है ना इंटीग्रेशन के लिए वो हम यहाँ पे लगाएंगे पहला फंक्शन मेरे पास ये होगा और वन को मैं दूसरा फंक्शन लूंगी तो टेन इन वर्स अंडरूट एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन डीएक्स एंड का क्या हो रहा है इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे तो सिंपल है एक्स टैन इन वर्स रूट एक्स आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन वन पॉइंट वन प्लस एक्स स्क्वास का स्क्वायर होगा तो एक्स ही रहेगा फिर अंडर रूट एक्स का फिर से होगा तो वन पॉइंट टू अंडर रूट एक्स इसका हो जाएगा एक्स एंड ये डीएक्स तो वन बाय टू में बाहर ले लेती हूँ ठीक है फिर देखो x ये अंडर रूट एक्स एंड ये एक्स कैंसिल होगा तो इधर पे कितना आ अंडर रूट एक्स यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे सो सो वी कैन सिंपली पुट पुट तो यहां पे दोनों साइड अगर हम uh, करेंगे इट बी हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट टी स्क्च इज टी dx के बदले वी हैव टू पुट टी अपॉन वन प्लस ऑफ टी स्क्वायर तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया ये वाला पार्ट सॉल्व करने वाला ये वैसे मैंने पहले भी कराया हुआ है इसमें हम क्या करते हैं वन ऐड भी कर देते हैं एंड वन ही को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे तो ये वन आ जाएगा अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो ये तो एक्स टैन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अब पे फर्दर इंटीग्रेशन डी हो जाएगा ये वाला पार्ट अभी के लिए, हमने ले रखा है, तो अभी इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस ऑफ ये हो जाएगा t और टी हमारे पास है क्या अंडर रूट एक्स ठीक है यहाँ तो पे अंडर रूट एक्स आ गया माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स t टी और टेन इनवर्स t टी है अंडर रूट एक्स तो प्लस ऑफ सी हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल हमारा यहाँ पे से टेन इन वर्स अंडरूट एक्स आ जाएगा कॉमन तो एक्स प्लस और इसमें से ठीक है फिर माइनस आंसर अच्छा क्वेश्चन है ये एंड नेक्स्ट हमारे पास है हमें ये फाइंड करना है तो यहाँ पे वी कैन टेक टी इक्वल टू ए एक्स तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स का होता है ए एक्स लॉग ए ठीक है तो वन अपॉन लॉग ए डी टी को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ए एक्स डी एक्स के बदले ए एक्स डीएक्स के बदले हमारे पास ये आएगा तो यहाँ पे एक तो ऑलरेडी है एक और आ जाएगा तो लॉग ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा एक्स के बदले डी टी आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉस तो कॉस टी डी ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट ही है तो ये तो बाहर ही चला जाएगा और कॉस टी का क्या होता है साइन टी तो साइन और टी मेरे पास ये है तो प्लस ऑफ सी तो ये आ जाएगा सिंपल आंसर नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन अगेन अगर हम टी पुट करेंगे हमारे डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो फाइव एक्स फोर dx तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा तो ये क्या होगा टू अंडर रूट टी प्लस ऑफ सी और टी हमारे पास ये है ठीक है फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे अच्छा ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिस इज एक्चुअली गुड तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे अः इसमें हम फॉर्मुला लगा सकते हैं आई थिंक वही वाला कॉ स्क्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अब मैं क्या करूंगी ना ऊपर भी एंड नीचे भी कॉस एक्स से क्या कर देती हूँ डिवाइड कॉस एक्स से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो अंडर रूट में तो वो स्क्वेर में बनेगा ऑब्वियसली ठीक है तो ये हमने इस तरीके से कर लिया वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक्स तो ऊपर तो बन गया है सेक्स स्क्स यहाँ पे कैंसिल हुआ अंडर रूट वन माइनस साइन अपॉन कॉस होता है टेन तो टेन स्क्वास डीएक्स अब आई कैन पुट टी इक्वल टू टेन एक्स तो डी टी कितना आ जाएगा तो यहाँ पे dt आ गया और अंडर रूट में वन माइनस ऑफ टी है इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स होता है तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी और टी हमारे पास है क्या टेन एक्स तो प्लस ऑफ सी तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर आ, देन हमारे पास ये क्वेश्चन है तो आई थिंक यहाँ पे भी हमें क्लियरली दिख रहा है टीव टू एक्स क्यूब ले सकते हैं तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पे वन बाय थ्री आ जाएगा तो वन बाय थ्री इंटीग्रेशन एक्स स्क्स के बदले डी टी आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया थ्री uh, e पावर टी और टी हमारे पास ये है प्लस ऑफ सी बस सिंपल सा हो गया आंसर देन uh, ये हमारे पास है इसमें आय थिंग हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये वन माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा तो अगेन पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे ए बायस प्लस बी अपॉन वन माइनस एक्स वन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस एक्स हो जाता है ये प्लस ऑफ बी एक्स इधर पे आ जाएगा को इक्वेट करो ए की वैल्यू वन माइनस ए प्लस बी इक्व टू जीरो हो जाएगा तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई वन आ गई ठीक है तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे हम वैल्यूज पुट करके ठीक है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वन बाय एक्स डीएक्स हो जाएगा यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉइंट वन माइनस एक्स डी एक्स तो ये तो हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे होगा लॉग मोड ऑफ वन माइनस एक्स एक्स का कोएफिशिएंट भी डिनोमिनेटर में आ जाता है एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस वन तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो आंसर क्या आ गया हमारे पास लॉग मॉड ऑफ एक्स अपॉइन वन माइनस एक्स प्लस ऑफ सी ठीक है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ बिकॉज ये जो बेसिक चीजें है ना सारी वन शॉट में ऑलरेडी कवर अप हो चुकी है कोई अलग सा अप्रोच यहाँ पे या अलग सा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है ठीक है जो बेसिक चीजें हैं मैंने सब करा दी है वन शॉट डेफिनेटली देख लेना अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है चीजें समझने में देन हमारे पास ये है इसमें हम क्या करेंगे ना कॉस टू एक्स का फॉर्मुला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स तो टू साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स और अगर सिर्फ साइन स्क्वायेयर एक्स चाहिए है तो ये वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे हम वही करेंगे तो वन माइनस कॉस टू और एक्स यहाँ पे कितना है टू एक्स प्लस फाइव अपॉन टू तो ये 1 by 2 तो मैं बाहर ही ले लेती हूँ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x plus of 10 dx, ठीक है? 1 by 2, इधर पे कितना आ गया एक्स माइनस अब कॉस का होता है साइन साइन फोर एक्स प्लस टेन बट जो कोएफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है इंटीग्रेशन में तो आंसर कितना आ जाएगा एक्स बाय टू माइनस साइन फोर एक्स प्लस टेन अपॉन एट प्लस ऑफ सी आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा नेक्स्ट हमारे पास ये है तो ये भी सिंपल है इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ए एक्स प्लस बी की पावर फोर अपॉइंट फोर हो जाएगा बट x का a है तो वो भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस ऑफ c तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा था ये भी अगेन बहुत सिंपल है एक्स स्क्र कॉमन ले लो x माइनस वन आई थिंक ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे x माइनस वन आ जाएगा फिर हम ऊपर से x माइनस वन कॉमन ले सकते हैं तो एक्स स्क्र प्लस वन बचेगा एंड एक्स माइनस वन ये हो जाएगा कैंसिल तो क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ दिस तो एक्स स्क्र का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री और इसका हो जाएगा एक्स प्लस ऑफ सी तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर नेक्स्ट हमारे पास ये है तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो ये सेक्स स्क्स टैन एक्स हमने दोनों अलग अलग लिख दिया है इसका हो जाता है टैन एक्स और इसका होता है हमारे पास सेक एक्स तो प्लस ऑफ सी ये हमारे पास आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास ये है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो so, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब का स्क्वायर में लिख सकती हूं और इसको वन का स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स क्यूब को टी ले लेते हैं तो DT आ जाएगा थ्री एक्स स्क्सले डी dt आ गया हमारे पास इसके बदले t आ गया तो ये टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बायर ए तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा सिंपली टैन इनवर्स टी प्लस ऑफ सी और tan इनवर्स t हमारे पास है क्या एक्स क्यू प्लस ऑफ सी तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल आंसर तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है ये तो अभी हमने सिर्फ शॉर्ट वाले डिस्कस करे हैं लॉन्ग वाले में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एंड आजकल बिकॉज मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं सो आई थॉट की पहले इजी वाले करा देती हूँ फिर जो हमारा मैं कंप्लीट लाइव सेशन लूंगी ना वहां पर हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड लेंदी वाले क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करेंगे टिल देन मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है बाकी जितने चैप्टर्स है उनके भी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं डेफिनेटली जाके उट करना एंड शेयर शेय वीडियो फ्रेंड्स अगर तुम्हें लगता है कि हेल्पफुल है सो दैट इज इट फॉर आर यू गाइड इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर